आपकी जानकारी के लिए बता दें कि थाना मलपुरा के कबूलपुर में पप्पू राम जाटव पुत्र गोधू राम जाटव निवासी कबूलपुर ग्वालियर रोड आगरा 17 जुलाई दिन सोमवार प्रातः 9 बजे प्रार्थी के बच्चे धीरज पूनम नीरू रश्मि राजवीर बाजार सामान और सब्जी खरीद रहे थे। तभी कृष्णा ठाकुर पुत्र नरेंद्र ठाकुर आकाश ठाकुर पुत्र पप्पू ठाकुर विक्रम ठाकुर पुत्र वीरेंद्र ठाकुर और सनी ठाकुर पुत्र वीरेंद्र ठाकुर वहां आए और मेरी बच्चियों के साथ छेड़छाड़ करने लगे, जिसका मेरे बच्चों ने विरोध किया। तो इसके बाद मेरे पुत्र धीरज को बेरहमी से पीटा। उसे बचाने उसकी माँ और बहन आई तो उनका सर फाड़ दिया। साथ में जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए लात घूसों से घसीट घसीट कर पीटते रहे। इसकी सूचना थाना मलपुरा पुलिस को मिली तो पुलिस फोर्स के साथ थाना अध्यक्ष अजय कुमार मौके पर पहुंचे। दोनों पक्षों को समझा बुझा कर झगड़े को शांत कराया और प्रार्थी ने थाना मलपुरा में तहरीर दी, जिस पर कार्रवाई की मांग की है। आगरा से एसआर लाइव न्यूज के लिए संजय प्रजापति की रिपोर्ट। हमारे यहाँ सोमवार की सुपुरी आठ लगती है, हम गए थे आटे सब्जी लेने के लिए, हम चार भाई गए थे। तो वहाँ पर वो हमसे बोल रहे थे, लड़कियों से बस बोलते थे, पता होगा कैसे बोलते कमेंट मार रहे थे। तुम्हारा भाई मारे नहीं बोला था, तुम्हारे भाई को भी मारा था उन्होंने, मेरा भाई ये रही मारा था। तो फिर हम सब यहाँ जा इनके कपड़े फाड़ दिए, कपड़े फाड़ी लड़कों ने। मैं घर पे कहने के लिए आई, उससे फिर घर पे आ गए यहाँ पे। तो मेरी मम्मी बोली चौक बजाने की, तो उन्होंने रात को आठ हमला कर दिया हमारे घर पर। मम्मी की यहाँ पर बीमारी है, लोहे की सरिया से अड्डी फट गई है सर के अंदर। कितने लोगों के लिए चोट आई है? कितने लोगों की चोट आई है? मेरे भाई है, एक मेरी दादी की चोट आई है, एक मेरी मम्मी की चोट आई है, अड्डी फट गई दिमाग की। पुलिस पहुंची थी? हाँ पुलिस पहुंची थी। अच्छा तहरीर दे दी आप? तहरीर दे दी। जब सब्जी लेने गई थी मंडी में तो कुछ ठाकुरों के लड़के हैं गुंडे, वो मेरी बहनों से जाति सूचक शब्द चमरिया डेढ़िया कह के बोल रहे थे। फिर कहाँ जा रही है चमरिया, मटक मटक के चल रही है। तो बहनों ने, ये था मेरा भाई उनके साथ, तो इसने विरोध किया, तभी इसको बेरहमी से पीटा। अच्छा काफ़ी चोट आई है और बहनों पर भी हाथापाई की। टोटल कितने लोगों को चोट आई है? टोटल हमारे 5 लोगों को चोट आई है। तो क्या रात को पुलिस पहुंची थी? रात की घटना थी? रात में आधा घंटा करीब पीछे पुलिस आई। अच्छा हमने की थी, एम्बुलेंस भी चाहिए। अभी अभी थाने में तहरीर दे दी है? तहरीर अभी दी है। पुलिस का क्या कर रही है? पुलिस देखते हैं कार्रवाई। अच्छा हम तो चाहते हैं आप क्या क्या प्रशासन से गुहार लगाना चाहते हैं? एसटीएफ लगे 307 धारा।